बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई ने, यूएई ने, तमाम रियासतों, 7 रियासतें, उन्होंने ख़बरदार किए जो भी इलीगल लोग हैं उनको जॉब ना दें। अगर जो जॉब देगा जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया तब भी उधर उसको 50 कंपनी को 50,000 दिरहम जुर्माना। अगर वो बॉर्डर क्रॉस यमन वगैरह ओमान वगैरह से आया है तो बॉर्डर क्रॉस करके अगर उसको किसी को जॉब देगा तो 1,00,000 दिरहम का आपको जुर्माना किया जाएगा। 1,00,000 दिरहम पाकिस्तानी तकरीबन 45 लाख रुपया बनता है। तो इतना बड़ा जुर्माना कहाँ से देंगे? अल्लाह ताला खैर करे, किसी भी, उन्होंने कहा इलीगल लोगों को जॉबें ना दें, हमने सफाया करना है, इलीगल लोगों को वापस भेज रहे हैं। और तो क्योंकि 31 दिसंबर तक टाइम दिया है, सब चले जाएं अपने मुल्क बग़ैर जुर्माने के। तो ये बड़ी अच्छी खबर थी। अपना अपना ख्याल रखें। अल्लाह ताला आप सबको रम से हर तरह की मुसीबतों से बचा के रखें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई सी अपडेट्स आप तक पहुँचते हैं।